स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन दबाकर हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल यूज होता है एंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल इज 2। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखो, तो हम कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन m² - 9m + 8 = 0। आप अपने दिल से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे 5x² + 8x + 13 = 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखी है। आप अपने दिल से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन मालूम है। तो आप सेवरल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये डिसाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज x² + 5x - 2। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ x² + 5x - 2 = 0। अब आप इस क्वेश्चन के ऊपर गौर कीजिए स्टूडेंट। इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे? आप लिखेंगे द हाईएस्ट डिग्री, डिग्री को आप इंडेक्स भी लिख सकते हैं, ऑफ वेरिएबल x is 2, so this equation is quadratic equation। अब स्टूडेंट, यहाँ पर मैं QE लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज y² = 5y - 10। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे इसके। तो मैं लिखूंगा y², 5y को जब इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -5y, और -10 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +10 = 0। अब ये y वाली इक्वेशन है और हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लिखेंगे द हाईएस्ट डिग्री और इंडेक्स of variable y is 2, so the given equation is क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कीजिए आप स्टूडेंट। y² के बाद आपको नजर आए +1/y। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में y है, इसको यहाँ से हटाने के लिए आप इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय y। तो आप y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y को मल्टीप्लाई करेंगे y² से, प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे 1/y से। उसी तरह इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में भी y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके स्टूडेंट, अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी? y को जब y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ हो जाएगा, प्लस y1/y, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और ये होगा 2y। अब इसको थोड़ा सा हम सिंपल करते हैं तो ये हो जाएगा y³ 2y को जब इधर लाएंगे तो -2y + 1 = 0। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट इंडेक्स, हाईएस्ट डिग्री 3 हो गया। जब 3 हो गया मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। अब इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम? आप लिखेंगे द हाईएस्ट इंडेक्स, या फिर हम डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल y is 3, so the given equation is not quadratic equation। स्टूडेंट, हाईएस्ट डिग्री 3 थी, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए x + 1/x = -2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे x + 1/x = -2। अब देखिए स्टूडेंट, बाज इक्वेशन ऐसे होते हैं जो देखने में क्वाड्रेटिक नहीं दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको सॉल्व किया जाए तो वो क्वाड्रेटिक बन जाते हैं। अब इस केस के अंदर देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक हिंट दिया था। क्या हिंट था वो? कि अगर इस x को आपको यहाँ से हटा देना है तो क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय x। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x × x हो जाएगा ये, प्लस x × 1/x हो जाएगा ये, इज इक्वल टू -2 × x हो जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, ये x वन जा x, x वन जा x, यहाँ पर बच गया +1 और इधर बच गया -2x इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड। अब इस वाले -2x को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x विल बिकम +2x +1 इज इक्वल टू 0। नाउ ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम आंसर लिख लेंगे, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2, सो द given equation is quadratic equation. Now come to question number 5. Question number 5 is m plus 2 to next bracket m minus 5 is equal to 0. Previous classes में आप इस type के equation को solve करना देखे हैं। m plus 2 ये एक binomial है, m minus 5 एक binomial है, binomial को binomial से multiply करेंगे। तो सब में पहले मैं क्या करता हूँ, m को m minus 5 से multiply करता हूँ और इस plus 2 को फिर से m-5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यू नो दिस मेथड। देन m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट m स्क्वायर, -5 को m से मल्टीप्लाई करें तो 5m, +2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2m और +2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 इज इक्वल टू 0। देन m स्क्वायर का m स्क्वायर -5m +2m, देन द आंसर इज -3m -10 इज इक्वल टू 0। नाउ ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, यहाँ पर m का हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिखेंगे the highest degree of variable m is 2, so that the given equation is quadratic equations. Now come to question number 6. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m। अब मैं क्या करता हूँ, 3m क्यूब को इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा m क्यूब -3m क्यूब, यानी कि ये +3m क्यूब इधर आकर -3m क्यूब बन गया, +3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। जब -3m क्यूब में से m क्यूब माइनस करेंगे तो मिलेगा -2m cube plus 3m square -2 is equal to 0. Now observe this equation student. Highest degree is 3. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल m इज 3, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। चलिए इसमें भी आपको 1-2 एग्जाम्पल्स हम बताएंगे और उसके बाद के क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू 10 -y। अब आपको ये फॉर्म में लाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, इस -y स्क्वायर को इधर लेकर आता हूँ इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड, तो ये -y स्क्वायर हो जाएगा +y स्क्वायर, +2y ऑलरेडी इधर ही है लेफ्ट हैंड साइड तो उसको उसी तरह रहने देंगे और +10 को भी हम इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये +10 विल बिकम -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब आपको क्या वैल्यूज लिखना है, ए बी सी के वैल्यूज लिखना है। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट y स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a है वो 1 है, ठीक है, और y का कोफिशिएंट 2 है, देन b इज इक्वल टू 2 एंड कांस्टेंट टर्म है -10। ओके, क्लियर है स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट। फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से इसका एक्सपांशन करना है x -1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये फार्मूला आप पिछले क्लासेस में 7th, 8th और 9th में यूज करते आए हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 इंटू x इंटू 1 मतलब -2x और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, देन इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड है 2x प्लस 3। अब इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड जो 2x प्लस 3 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x और ये 2x प्लस का इधर आकर हो जाएगा -2x प्लस 1 का +1 और ये +3 जब इधर आएगा तो वो होगा -3 इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर -2x -2x हो जाएगा -4x प्लस 1 -3 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, इसको हम फिर से लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप इसको कंपेयर कीजिए, देन a इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट -4 है एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म -2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद के क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट 3 माइनस x। तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हमें क्या करना है, इस माइनस साइन को उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस x को हम इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज, और ये प्लस x जब इधर आएगा इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा -x, और ये -3 जब इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x मतलब +4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भी अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इसको भी हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 4 एंड c इज इक्वल टू 3। वी होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके करने के लिए छोड़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं। तो सब में पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे। तो क्वेश्चन इज 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और 0 हमारा राइट हैंड साइड है। अब आपको क्या करना है, m का वैल्यू पहले 2 रखना है और देखना है कि आंसर आपका 0 आता है क्या। अगर 0 आता है तो m इज इक्वल टू 2 एक रूट है। फिर उसके बाद m का वैल्यू आपको 5/2 रखना है, फिर देखना है कि आंसर 0 आता है क्या। अगर आंसर 0 आ गया तो 5/2 भी एक रूट है। तो सब में पहले हम m का वैल्यू 2 रखेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अवर लेफ्ट हैंड साइड इज 2m स्क्वायर माइनस 5m। सब में पहले m का वैल्यू क्या रखना है, हमें 2 रखना है। तो हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए 2 इंटू m का वैल्यू 2 रखना है, मतलब m का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू m इज इक्वल टू 2। देन 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4 माइनस 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 10। तो आंसर इज -2। अब देखिए ये जो -2 है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में तो 0 है और हमें आंसर क्या मिला, -2 मिला। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू -2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक। चलिए अब m का वैल्यू क्या रखना है, हमें 5/2 रखना है। तो हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर और लेफ्ट हैंड साइड इज 2m स्क्वायर माइनस 5m। अब m का वैल्यू रखेंगे हम 5/2। पुट m इज इक्वल टू 5/2। अब आंसर 0 आता है क्या देखेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में 0 है तो 0 आएगा क्या देखेंगे। देन ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2। देन ये हो जाएगा 2 इंटू 25/4 माइनस 5 5 जा 25/2। अब यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ये हो जाएगा 25/2 माइनस 25/2। तो 25/2 माइनस 25/2 ये 0 हो गया एंड आंसर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक, समझ में आ गया आपको। अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह आपको करना है। समय पहले x का वैल्यू 1 रखना है और देखना है आंसर 0 आता है क्या। अगर आंसर 0 आ गया तो वो x इज इक्वल टू 1 रूट है। फिर उसके बाद x का वैल्यू -1 रखना है, फिर देखना है आंसर 0 आता है क्या। अगर -1 से भी आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन इज के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिए। तो अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 रखना है। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, k का वैल्यू मालूम हो जाएगा। k का वैल्यू मालूम करना है हमें, फाइंड k। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 रखेंगे। देन ये हो जाएगा k इंटू 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9k minus 10 3s are 30 plus 3 is equal to 0. Then 9k अब minus 30 plus 3 तो आपको मिलेगा minus 27 is equal to 0. Then 9k is equal to अब minus 27 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा plus 27. Then k is equal to 27 upon 9. 9 ones are 9. 9 3s are 27. Then k is equal to 3. तो आपको find the value of k मालूम करना था तो आप लिख लेंगे the value of k is. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7 अपॉन 5. तो माइनस 7 अपॉन 5 क्या है स्टूडेंट? ये रूट है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब माइनस 7 अपॉन 5 रूट है तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन के अंदर डैश इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस 7 अपॉन 5 is a root of quadratic equation 5m square plus 2m plus k. Then put m is equal to. अब m का वैल्यू क्या रखना है हमें? माइनस 7 अपॉन 5 इक्वेशन के अंदर. अब इक्वेशन क्या है देखिए 5m square plus 2m plus k. तो जहां पर m है वहां पर आपने को रखना है माइनस 7 अपॉन 5. तो ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 7 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये तो 5 ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा. ओके तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 इंटू माइनस 7 अपॉन 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 49 अपॉन 25. ओके अब क्या करेंगे यहाँ पर 2 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 14 अपॉन 5. अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 5 1 जा 5 5 5 जा 25 ये हो गया कैंसल. अब यहाँ पर बचा है 49 अपॉन 5 और यहाँ पर बचा है माइनस 14 अपॉन 5. तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर साइड में मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमें मिल गया 49 अपॉन 5 प्लस माइनस 14 अपॉन 5. इसको सॉल्व करना है. ये हो जाएगा 49 अपॉन 5 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 14 अपॉन 5. अब देखिए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे 5. अब ये हो जाएगा 49 माइनस 14. 49 में से 14 अगर हम माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3. 35 अपॉन 5. देन ये हो जाएगा 5 5 5 7 जा 35 आपको मिलेगा 7. तो ये हो जाएगा 7 प्लस k इज इक्वल टू 0. देन k इज इक्वल टू 7 को जब इक्वल टू साइन के इधर लाएंगे तो माइनस 7. इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व किया. हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी. देखिए स्टूडेंट हम बहुत ज्यादा मेहनत करके ये वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं और इसको हम ज्यादा से ज्यादा आसान करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारी इस कोशिश को आप अप्रिशिएट कीजिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए. हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस.